माँ मुझे पढ़ना है, मैं स्कूल जाऊंगी, मैं बड़ी होकर आईएएस बनूंगी। माँ मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। कोई भी बेटी समाज से क्या मांग रही है? सिर्फ मान सम्मान और इज्जत, जो उसका हक है, और बदले में आपके आसपास बसते पूरे संसार को वो स्वर्ग जैसा बना देती है, उसके बावजूद उनके साथ हो रही बर्बरता झकझोर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृपाशंकर शर्मा, दिखा रहा हूं आपको राजस्थान की ऐसी रिपोर्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस समाज में क्या बेटियां सुरक्षित हैं। ये रिपोर्ट शर्मिंदा कर देगी। 10 दिन में 10 बेटियों से यौन अत्याचार, 10 दिन में 2 बेटियों को दी गई दर्दनाक मौत, हजारों बच्चियों का यौन शोषण, सरकार के लाख दावे, सुरक्षा के तमाम उपाय, फिर भी दरिंदगी बेकाब। लाडो हम शर्मिंदा है। पहले भीलवाड़ा जिले में 14 साल की बिटिया को गैंगरेप के बाद दर्दनाक मौत दी गई। लाश के टुकड़े टुकड़े कर भट्टियों में भून दिया गया। उसके बाद 14 साल की पाली में रहने वाली बिटिया को उसके पिता ने 2 बार रौंद दिया। जयपुर में 13 साल की बहन को मौसेरे भाई ने बर्बाद कर दिया, उसे इतनी कम उम्र में मां बना दिया। पाली में 9 साल की बच्ची से रेप, और अब सवाईमाधोपुर में 15 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कर कुएं में फेंक कर मार दिया गया। परिवार और समाज में उबाल है। भाजपा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी है, प्रदर्शन कर रही है। इतना होने के बाद भी सरकार, पुलिस या समाज हालात काबू नहीं कर पा रहे। हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। 4 साल में बच्चियों से यौन शोषण के 15,000 केस, 1,000 से ज्यादा गैंगरेप के केस, गैंगरेप के 300 मामलों में बच्चियों की हत्या, पोर्नोग्राफी के 400 से ज्यादा केस, 107 पोर्न साइट ब्लॉक की सरकार ने। राजस्थान में साल 2019 से लेकर साल 2022 तक पोक्सो के करीब 15,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इनमें 1,000 मामले ऐसे हैं जिनमें बच्चियों के साथ गैंग रेप किया गया, करीब 300 मामलों में बच्चियों की हत्या तक कर दी गई। बड़ी बात यह रही कि संख्या हर साल बढ़ती चली जा रही है। बड़ी विडंबना है, चौंकाने वाला विषय है। भरतपुर, अलवर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा जैसे शहरों में यह अपराध अन्य शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा है। पुलिस ने अधिकतर केस में कार्रवाई की है। बच्चियों और महिलाओं से जुड़े केस को भी प्रायोरिटी में रखा जा रहा है। इन अपराध को काबू करने के लिए पिछले 4 साल के दौरान राजस्थान पुलिस ने कुछ सामाजिक संगठन की मदद से 3,000 से ज्यादा बैठक की है। 80,000 से ज्यादा लोगों को बेटियों के साथ होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। 3,000 स्कूलों में जाकर लगभग 5 लाख बच्चों को अच्छे और बुरे के बारे में बताया गया, यानी गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी दरिंदे घात लगाए बैठे हैं, तो ऐसे में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से भारत सरकार की विशेष सेल उन लोगों पर नजर रख रही है जो इंटरनेट पर जाकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करते हैं और उन्हें डाउनलोड करते हैं। राजस्थान में कुछ महीनों में ही ऐसे 400 से ज्यादा केस पुलिस ने दर्ज किए हैं। बड़ी बात यह है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करने के मामलों में युवाओं के साथ ही 18 साल से कम उम्र के किशोरों की भी संख्या अच्छी खासी है। इस तरह की 107 पोर्न वेबसाइट को पिछले कुछ महीनों में सरकार ने ब्लॉक भी किया है। सरकार और पुलिस अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाडली को लेकर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। समय समय पर उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, उन्हें हर विषय की जानकारी दें जिसके नाम पर उन्हें भ्रमित किया जा सकता है। किसी भी शिकायत को गंभीरता से लें और साथ ही बेटों को भी समझाएं समाज में जीने का तरीका। समाज भी इसी तरह से पूरी जिम्मेदारी आप निभाएंगे तो बेटियों पर यौन हमले काफी हद तक रोके जा सकते हैं।